हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। इसके पहले वीडियो में हमने दोस्तों मॉडल पेपर 1 में 1 से 10 तक हिंदी के प्रश्न कर चुके हैं। हम लोग लगातार दोस्तों 10-10 क्वेश्चन का सीरीज करने वाले हैं और ये जो है कि 30 क्वेश्चन मिला देंगे तो आपका एक सेट तैयार हो जाएगा। और ये हम लोग यूपी टेट का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप यूपी टेट में जैसे हिंदी आती है उस तरह के हूबहू मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको पता है दोस्तों कि यूपी टेट का जस्ट जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप लोग अभी से जो है कि यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस तरह के जो है कि हर सब्जेक्ट के आपको क्लास जो कि मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट का मॉडल नंबर 2 देखेंगे, जो कि इसमें भी 10 क्वेश्चन का सीरीज होगा। हम लोग 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के यहाँ पर चलेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगर आपका आपको आंसर इसका पता है तो आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में और इसको चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, विद्यालय में कौन सी संधि है यही आपसे पूछा जा रहा है। विद्यालय में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। दीर्घ संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, व्यंजन होगी, उपरोक्त सभी होगी। तो देखिए, ये विद्या धन आलय, दो शब्दों से मिलकर क्या बनाया आपका विद्यालय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी स्वर है और यहाँ पे भी स्वर है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि। और जब स्वर संधि है दोस्तों तो इसमें विसर्ग संधि तो होगा नहीं, व्यंजन होगा नहीं, और ये क्या है, दीर्घ, क्योंकि आप ये देख रहे हैं इसका स्वर दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, दीर्घ बन रहे हैं। तो ये विद्यालय क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, दिन भर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल यहाँ पर दिख रहा है, दिन भर में कौन सा समास होगा। द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययीभाव होगा, कर्मधारय होगा। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि दिन भर में कौन सा आपका समास होगा। तो चलिए देखते हैं द्विगु समास। देखिए दोस्तों, द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में इसमें संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्या का इससे बोध होता है। क्या होता है? संख्या का बोध होता है। जैसे त्रिभुज, यहाँ से तीन भुजाओं वाला यानी त्रिभुज, यानी संख्या का यहाँ से बोध हो रहा है। किसका? संख्या का। त्रिभुज हो गया, पंचभुज हो गया, इस तरह के जब दोस्तों संख्या का ज्ञान हो तो वो क्या होता है आपका, द्विगु समास होता है। और द्वंद्व की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद आपका प्रधान होता है। जैसे माता पिता, और इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, माता पिता, रात दिन, ठीक है। इस तरह के जब आपको शब्द मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब और देखेंगे अगला जो है कि इसको देख लेते हैं हम लोग, अव्ययी भाव समास क्या होता है। इसका प्रथम जो होता है, प्रथम जो प्रथम शब्द होता है वो अव्ययी होता है। क्या होता है? अव्यय होता है और इसी की प्रधानता होती है, तो वो क्या होता है आपका, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ पे दिन भर, ये क्या है आपका, अव्ययी भाव समास है। और इसके और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे यथासंभव, ये हमेशा ज़्यादा पूछता है, यथासंभव, यथाशीघ्र, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों वो क्या होंगे, अव्यय होंगे। क्या होंगे? अपव्यय। तो इसमें दिन भर जो है, दिन भर, दिनों दिन, रातों रात, इस तरह का जब आपको शब्द मिलेगा तो वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो दिन भर में कौन सा समास हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये आंसर आपका सही होगा। और देखिए, कर्मधारय में क्या होता है, उपमेय और उपमान का विभेद होता है, उपमेय और उपमान का, उपमेय और उपमान। जैसे जब शब्द आपको मिलेंगे, जैसे चरण कमल, इस तरह का अगर आपको मिलेगा तो वो क्या होगा आपका, कर्मधारय समास उस तरह के होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है ख्याति प्राप्त में कौन सा समास होगा। ठीक है, ख्याति प्राप्त यानी ख्याति को प्राप्त, तो ख्याति को प्राप्त है तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे को शब्द का लोप हो रहा है। किसका? को का। और ये क्या है? कारक है। क्या है? कारक। अब जिसमें कारक मिलता है वो आपका कौन सा हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ख्याति को प्राप्त यानी आपका तत्पुरुष समास इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम होगा? इसमें से आपको तत्सम शब्द छाटने हैं, बाकी के तीन क्या होंगे? तद्भव होंगे और एक इसमें जो होगा आपका तत्सम शब्द होगा। तो चलिए देखते हैं। अक्षर का देखो, इसका तत्सम क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, और आश्रय का क्या होता है? आश्रय होता है। तत्सम शब्द क्या होता है? आश्रय होता है। ये क्या है? दोनों तद्भव है। अंगरक्षक का देखो क्या? अंगरखा होता है। ठीक है, क्या होता है? अंगरक्षक का दोस्तों तत्सम क्या होता है? अंग रखा होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये तद्भव है, इसका तत्सम अक्षर होता है, आश्रय का आश्रय होता है, अंगरक्षक का अंगरखा होता है। ठीक है, और अश्रु, अश्रु यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है? तत्सम शब्द है। और अश्रु किसे कहते हैं? जो हमारे आँखों से तरल पदार्थ निकलता है उसी को हम लोग आंसू कहते हैं, और उसका तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। अगर इसका तद्भव कहा जाए तो आंसू होता है। क्या होता है? आंसू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का आप देख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? फिर जो है कि आपको तत्सम यहाँ पे ढूंढना है कि तत्सम इसमें से कौन सा शब्द होगा। यहाँ पे आगे, अदरक, अस्थि, आंवला। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी वही बात है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें क्या होंगे, तीन जो हैं कि तद्भव होंगे और एक जो है कि तत्सम होगा। तो इसका आपको आंसर देना है। तो जल्दी से आप लोग देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। देखिए, अग्र का आगे, ठीक है, ये आगे जो है ये तद्भव शब्द है, इसका अग्र होता है। क्या होता है? अग्र। और अस्थि देखो दोस्तों, अस्थि जो है तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? हड्डी। क्या होता है? हड्डी होता है। और फिर आंवला का देखिए, आ जाएगा आमलक। आंवला का जो है कि आमलक होता है। तो इसमें जो है कि आंवला क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है? आमलक होता है। और अदरक का देखेंगे, अदरक का क्या होता है? तो अदरक का आद्रक होता है। क्या होता है? अदरक का आद्रक। अगर अदरक का आपको तत्सम कहा जाए तो आद्रक होता है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। आगे, आगे का जो तत्सम होता है अग्र होता है, तो जाहिर सी बात है ये आंसर सही नहीं होगा। और देखो, अस्थि, अस्थि आंसर इसमें सही होगा। अस्थि का जो है कि तद्भव होता है हड्डी, और आंवला जो है कि तद्भव शब्द है, आमलक इसका तत्सम शब्द होता है, और अदरक जो है कि तद्भव है, इसका जो है कि आद्रक होता है तत्सम शब्द। तो इस तरह आप देख सकते हैं, सभी विकल्पों को हम लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर बता दें दोस्तों, अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और इस तरह के प्रश्न जो है कि हम लोग डेली 8 बजे आपको शाम को इसका वीडियो मिल जाएगा, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम लोग इस प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अग्नि शब्द का उचित पर्यायवाची आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, अनिल होगा कि वपू होगा कि अनल होगा कि पंकज होगा। आप तो पंकज जानते हैं, ये पुष्प का होता है, कमल का। किसका? कमल का। पंकज, नीरज, वारिद। ठीक है, ये किसका होता है? कमल का। कमल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये कमल का पर्यायवाची होता है। अब वपू दोस्तों, ये होता है शरीर का। किसका? शरीर का। शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? वपू होता है। और अनिल आप जानते हो हवा का होता है। किसका होता है? हवा का, समीर का। ठीक है, अब देखो, अनल जो है ये दोस्तों अग्नि का होता है। अनल, पावक, दहन, इस तरह करके जो है कि आपको आग के बहुत सारे पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सातवां है, अधम निम्न में से किसका समानार्थी है? क्या है समान अर्थ अधम का? क्या होगा अधम का समान अर्थ क्या होने वाला है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या असुर होगा कि नीच होगा कि ऊषा होगा कि आनंद होगा? ठीक है, तो असुर, असुर दोस्तों क्या होता है? राक्षस होता है। क्या होता है? राक्षस, दैत्य, निशाचर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? राक्षस, दैत्य, फिर निशाचर। क्या हो जाएगा? निशाचर। ये असुर यानी राक्षस का ये जो समानार्थी है या पर्यायवाची होता है। अब ये जो है अधम का क्या हो जाएगा? नीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अधम का जो आंसर हो जाएगा वो नीच हो जाएगा। आनंद का क्या होता है? हर्ष। ठीक है, जब आप आनंदित होते हैं तो क्या होते हैं? बहुत ही खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आनंद का क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा। तो इसका और हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास, प्रसन्नता। ठीक है, प्रसन्नता। ठीक है, तो आनंद का ये हो जाएगा। और ऊषा का मतलब होता है दोस्तों सवेरा। क्या हो जाएगा? सवेरा। ठीक है, तो इस तरह के समानार्थी सभी के हमने लिख दिए हैं। और अधम मीन्स क्या होता है? नीच। ठीक है, गिरा हुआ। तो सात का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से मित्र का विलोम होगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है कि ए वाला ऊपर चला है, तो घबराइएगा मत। मित्र का विलोम यानी विपरार्थक शब्द आपको पूछ रहा है। मित्र का विलोम आपका क्या होगा, इसी को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, मित्र का विलोम आप जान ही गए होंगे, बहुत ही आसान है। शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु। मित्र है तुम्हारा कोई, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। तो इसका आंसर वही आपका हो जाएगा। कठोर का क्या होगा? मुलायम या मृदुल होगा। ठीक है, या मुलायम होगा। और देखो, काला का क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा, उल्टा विपरार्थक शब्द। काला का क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। और काज का क्या हो जाएगा? अकाज हो जाएगा। ठीक है, काज का क्या हो जाएगा? अकाज हो जाएगा। अब मृदुल का आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं और नवा प्रश्न आपका देखेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मित्र का शत्रु। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नवा शब्द इसमें भी दोस्तों क्या पूछ रहा है? नवीन का विपरार्थक यानी विलोम, इसका भी क्या निकालना है? विलोम ही निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? इसका भी विलोम निकालना है। तो चलिए, इसका भी विलोम आप देख सकते हैं। अचेत, आरोह, प्राचीन, आर्य। ठीक है, देखिए आर्य का क्या होगा? अनार्य। ठीक है, अनार्य होगा। क्या होगा? अनार्य। ठीक है, आर्य का क्या होगा? अनार्य। और आरोह का क्या होगा? अवरोह। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह। ठीक है, और अचेत का क्या हो जाएगा? सचेत हो जाएगा। अचेत का क्या हो जाएगा? सचेत। और प्राचीन का क्या होता है दोस्तों? नवीन होता है। क्या होता है? नवीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नवीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला इसका आंसर यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो है कि सी आंसर सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये जो कि दोस्तों आज का है कि लास्ट प्रश्न है दसवां, और ये दसवां जो है कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। और इस तरह के आपको पता ही है कि हम लोग 10-10 प्रश्न ही इम्पोर्टेंट कर नंगा। ठीक है, और नृत्य का क्या होता है? नृत्य मीन्स होता है नाच। ठीक है, तो नृत्य का क्या होता है? तद्भव क्या होता है आपका नृत्य का? यहाँ पर हम लोग देखेंगे नृत्य का तद्भव जो होता है दोस्तों वो होता है नाच। क्या होता है? नाच। इसका क्या होता है? नाच। और ये क्या है? तत्सम शब्द है। निद्रा भी तत्सम शब्द है। नग्न भी आप देख सकते हैं, नग्न भी क्या है यहाँ पे? नाक। नाक जो है कि यहाँ पे तद्भव आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है नसिका। क्या होता है? नसिका।
तो तद बहुत शब्द पूछ रहा है तो नाक का क्या हो जाएगा, नसिका। और प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है कि जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हम लोग 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और फिर मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।